myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I will stay. I just lose it, have no shame. तो हे गाइस, मैं किशन ठाकुर और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और कैसे हो सब लोग? तो आज मैं आईफोन 7 ख़रीदने जा रहा हूँ। वो मैंने OLX से ख़रीदा, वो मुझे किसी को देना है, मतलब मेरे रिश्तेदार में से। तो वो ब्लैक गोल्डन है और 128 GB है। तो OLX पे मुझे अच्छा डील मिल रहा था, तो अब निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। और मेरे साथ विक्रांत आया है, बाइक से जा रहे हैं। तो मैं आपको यही सब दिखाऊंगा कि अगर आप OLX से फ़ोन ख़रीदते हो तो क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, और मतलब कैसे कैसे आपको उससे बात करना है, क्या क्या चीज़ आपको ज़रूरी होगा। पेपर वर्क नहीं है तो फिर क्या करना होता है, क्योंकि मैक्सिमम आईफोन ऐसे जो सेल होते हैं अच्छे डील में, वो 2-2.5 साल पुराने होंगे या फिर 1.5 साल पुराने। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे के पास बिल पड़ा हो उसका। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या मतलब कैसे बात करनी है और क्या क्या लेना होगा, फ़ोन कैसा होता है। तो बने रहे व्लॉग पे और हम चलते हैं फिर रास्ते। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning. And this is just... Guys, मैं अशोक नगर आ गया था और ये बाइक अपनी, और इधर विक्रांत खड़ा है। तो उस बंदे ने बोला 5 मिनट रुको, मैं आता हूँ। और लैंडमार्क मेरा ये है, इधर ये बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, प्लीज़ विजिट अगेन। और इधर साइड ये मदर डेयरी है, और इधर बोले छोड़ो आपको की बता रहा हूँ। वैसे अब वो बंदा आ रहा है 5 मिनट में, तो वो आता है तो उसे कैसे डील करेंगे वो दिखाते हैं आपको, और मतलब क्या क्या बात करना रहता है। तो अभी तो 5 मिनट ऐसे ही हमें खड़े हुए हो गए हैं, और 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर बंदे को कॉल करेंगे कि कहाँ रह गए भाई। तो बने रहे ब्लॉग पे और दिखाते हैं थोड़े देर। गाइस, वो बंदा आ चुका है, अभी कॉल किया था कहाँ पे हो, अब तो उसे लोकेशन बताया। अब देखते हैं किधर साइड से आएगा, तो आने दो, फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि कैसा है फ़ोन और क्या है, क्या सीन है उसका। भाई ये आ चुका है वो बंदा, और शायद यही आ रहा है। आ जाने दो इन्हें, तो देखते हैं। तो गाइज़, जैसा कि आप सब देख सकते हो, विक्रांत फ़ोन को चेक कर रहा था। ये बंदा समझ गया था कि हमें फ़ोन वोन नहीं लेना है। इसका फ़ोन मतलब कंडीशन में तो यार ऐसे ठीक था, आगे कोई स्क्रैच नहीं था, और बैक पे लैमिनेशन करा रखी थी। पर जो है ना, इसके नीचे चार्जिंग जैक के साइड में एक स्टील की ग्रिल होती है, जो मतलब डिटेलिंग के लिए लगाया जाता है। तो अभी देख रहे हो, जैसे वो बंदा चेक भी कर रहा था, और ग्रिल और इसका स्क्रू जो होता है वो बोल्ट मतलब फोल्डर टाइट होने के लिए, वो बोल्ट गायब था। और फ्रंट डिस्प्ले के ऊपर अगर आप नोटिस कर पाओ, तो उतना लग नहीं रहा मुझे कि नोटिस होगा, पर आगे के कैमरे का अलाइनमेंट इसका टेढ़ा था, और बैक कैमरा ग्लास साइड से थोड़ा सा क्रैक था। तो हमें लगा नहीं कि, वैसे तो ये बंदा 6 तक में दे देता, ये कह रहा था 8 में बात करके आया था ये मेरे से, और कहने लगा कि 6 तक में दे दूँगा। तो हमने अच्छा समझा नहीं इसे लेना। मैंने इसे लास्ट बोला कि 2000 रुपये दे पाऊँगा भाई, क्योंकि इसमें खर्चा है, पर नहीं माना वो। फिर आखिर में चला गया, और फ़ोन बाकी तो पूरा परफेक्ट था। कैमरा डिस्प्ले तो दिख नहीं रहा होगा आपको, क्योंकि फ़ोन तो कबाड़ा निकला। वीडियो में जैसा कि मैंने दिखाई दिया था, अगर आप सबको दिखाओ, तो वो जो नीचे चार्जिंग जैक के साइड का एक ग्रिल होता है स्टील का, जो मतलब ऐसे ही डिटेलिंग के लिए लगाया जाता है, वो ग्रिल नहीं था उसमें। और ऊपर से जो नीचे 2 नट होते हैं आईफोन में, वो 1 नट गायब था उसमें से। और उसका कैमरा अलाइनमेंट भी ना अलग था पूरा। हाँ, कैमरा अलाइनमेंट मतलब कैमरा थोड़ा टेढ़ा जा रहा था, और भाई ने बताया कि उन्होंने आज तक बैटरी चेंज नहीं करवाई। पर 2 साल फ़ोन को हो गए गाइस, और आईफोन है तो 100% बैटरी कैसे रहेगा आप ये बताओ। मतलब बैटरी हेल्थ जो होता है, मेरा खुद 3 महीना हुआ है फ़ोन को, अभी 99% हेल्थ है मेरा। तो सोच लो यार, क्या क्या कमी होगा उस फ़ोन में, उसके लिए हमने मना ही कर दिया। वो बंदा 6000 तक में तो देने को तैयार था, अब बाकी मुझे वर्थ लगा नहीं खरीद के। तो इसी सब चीज़ से गाइज, आप भी सावधान रहो, और ख़त्म करते हैं ब्लॉग को। ये छोटा सा आपको सीख देने के लिए था कि आप कहीं ऐसे गलत जगह मत फंस जाना। तो बस एंड करते हैं इस ब्लॉग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।